ओके, गुड मॉर्निंग डेयर, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग द मैथ्स सिलेबस ऑफ योर क्लास 11th। ओके, एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1, सेट्स। ठीक है, पहले कुछ डिस्कस करते हैं बेटा। क्लास 11th का कोर्स एंटायरली लाइक दिस फ्रॉम क्लास 10th। क्या होता था, क्लास 10th में जो क्लास 9th से अपन कैरी फॉरवर्ड वर्क करते थे वो बहुत ज्यादा होता था। मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्लास 9th के थे, कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था नया, राइट। बाकी करीब करीब चीजें जोड़ गुणा बाकी होता है, दसवीं में आप दसवीं देखे आपको पता है। लेकिन 11th में क्या है, मैथमेटिक्स जो होती है वो एनालिटिकल मैथमेटिक्स बन जाती है, चीजों को एनालाइज ज्यादा किया जाता है रेदर देन सॉल्विंग दैम। हालांकि 11th में है सॉल्व करने वाला, ऐसी चीज नहीं है। और कैरी फॉरवर्ड चीजें कम है, मतलब कम चीजें उठा के लाएंगे हम दसवीं से, नई चीजें ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है फॉर योर क्लास 12th। अगेन जैसे 9th से 10th में आए थे तो 9th में ज्यादा नॉलेज ग्रैप करी थी, 10th में उसको यूज किया था। सिमिलरली 11th में ज्यादा नॉलेज ग्रैप करनी है, उसको 12th में यूज करना है। 11th की मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग करोगे 12th में उतना ही फायदा होगा। ओके बेटा, ओके, सो स्टार्ट करते। देखो पहला टॉपिक ही नया है, पहला टॉपिक ही ऐसा है जो आपने ना 9th में पढ़ा होगा ना 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो मैथ्स है, मैथ्स में नंबर्स आएंगे, जोड़ गुणा बाकी होगा। ये ऐसा तो नहीं कि एंटायरली को दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, वैसा नहीं है। बट ये है कि टॉपिक्स नए नए इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। जैसे पहला दूसरा दो टॉपिक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी पहले थी तो उसका थोड़ा सा तड़का आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे जो कि एडवांस मोड होगा ट्रिग्नोमेट्री का। फोर्थ चैप्टर फिर नया, फिफ्थ चैप्टर फिर नया, मतलब करीब करीब ये मान के चलो फिर मोर देन 50% नई आपको मैथमेटिक्स दिखाई देगी। ओके चलो स्टार्ट करते फाइनली। सो चैप्टर नंबर 1 इज सेट्स। तो अपन स्टार्ट करेंगे सेट की डेफिनेशन से, है ना। तो देखो किसी भी मैथमेटिक्स में डेफिनेशन समझने के लिए उसकी जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। तो सेट का मतलब क्या होता है, जनरली सेट का मतलब क्या होता है, जनरली सेट का मतलब होता है कोई भी ग्रुप, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का ग्रुप बना लें तो उसको क्या कहेंगे, सेट। तो अब इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से इसको मैथ्स में डिफाइन किया गया, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट चैप्टर क्रूशियल किस किस के लिए, सुनो, सेट्स के लिए इतना क्रूशियल नहीं है, मतलब इस चैप्टर में तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अगर मैं ये सब कुछ हटा के अभी एक्सरसाइज कराना शुरू करूँ ना, शायद मैं ऐसे मानता हूँ कि अगले 2 घंटे में पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज कर दूंगा, है ना। तो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर, उससे अगले चैप्टर, एंड क्लास 12th में इवन कैलकुलस पूरी इस चैप्टर पर डिपेंड करती है। जो कैलकुलस एंटायर पोर्शन है प्लस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का 11th 12th में जितना भी पोर्शन है सब इस चैप्टर पे डिपेंड करता है, इस चैप्टर की कितनी अच्छी नॉलेज है आपको। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, शुरू के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो हैं सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शन, ये पूरी कैलकुलस घुमाएंगे, पूरी की पूरी कैलकुलस घुमाएंगे। और आपने सुना तो होगा 12th क्लास में आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, चीजें सुनी होगी, वो कैलकुलस है, पूरी इस चैप्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, इसकी कितनी अच्छी आपको नॉलेज है। तो बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को, है ना। केवल इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए मत समझना, जनरल समझना, ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी, ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में कोई नॉन लिविंग थिंग आ सकती है, ऑब्जेक्ट में इंसान आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में लेटर्स आ सकते हैं, अल्फाबेट आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इनका कलेक्शन तो हम कर रहे हैं, ग्रुप तो बना रहे हैं, बट वेल डिफाइंड बनाना है। अब वेल डिफाइंड के क्या मायने, वेल डिफाइंड के क्या मायने, वेल डिफाइंड का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपके लिए मेरे लिए सेम हो, तीसरे बंदे के लिए भी सेम हो, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे या टाइम टू टाइम वेरी ना करे। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास से मैंने कहा कि भाई आप मुझे टॉप 5 एक्टर्स के नाम बताओ। मैंने क्या कहा, टॉप 5 एक्टर्स के नाम बताओ, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा सर पहले पे रख लीजिए SR के, दूसरे पे रख लीजिए SK, सलमान खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तीसरे पे ले लीजिए रणवीर सिंह, फोर्थ पे ले लीजिए सर रणवीर कपूर, फिफ्थ पे ले लीजिए सर
शाहिद कपूर, फाइन, ये आपने बताया। किसी और बच्चे से पूछा, किसी और बच्चे से पूछा कि भैया आप बताओ, तो उसने टॉप पे रखा रणवीर सिंह, सेकंड पोजीशन पे उसने आयुष्मान खुराना, कोई नया ही बता दिया, तीसरे पोजीशन पे उसने रखा SRK, राइट, और उसको लेटर से शाहरुख खान, रणवीर कपूर पसंद ही नहीं, उसने लिस्ट में डाली नहीं अपनी इसको। फोर्थ पे उसने रख दिया कोई भी दूसरा एक्टर बताओ, जैसे कि कोई एक्टर बताओ और कोई सा भी लिख लो, पुराना एक्टर लिख लिया अमिताभ बच्चन, सर मुझे वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, वो भी मेरी लिस्ट में आएंगे, ये क्रिकेटर्स के नाम भी पूछ सकता हूँ मैं, है ना। फिफ्थ पे डाल दिया उन्होंने गोविंदा। तो ये जो कलेक्शन बनाया मैंने टॉप फाइव एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड या टॉप फाइव एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर्स वेरी कर रहे हैं, राइट। अच्छा, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम का मतलब है, सपोज करो किसी बच्चे से पूछा है कि आप बताओ टॉप फाइव एक्टर्स के नाम, तो आज उसका आंसर ये है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी सोच बदल जाए और उसका आंसर ये हो जाए, या हो सकता है 5 साल पहले ये था, पुराना एक्ट्रेस भी शामिल थे उसकी लिस्ट में, और जब वो 5 साल बाद उससे पूछा गया तो उसके नाम चेंज हो गए। तो टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन जो वेरी करे वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड थोड़ी ना हुआ, वेल डिफाइंड होना हुआ। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? जो आज भी सच, कल भी सच, इधर भी सच, अमेरिका में भी सच, गांव में भी सच, शहर में भी सच, आपका मूड अच्छा है तो भी सच, आपका मूड खराब है तो भी सच, ठीक है, किसी भी सर्कमस्टेंस में चेंज नहीं हो, वही तो होती है डिफाइंड चीज, वही तो होती है डिफाइंड चीज। अब देखो दूसरी चीज लेते हैं, मैंने कहा नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स बताओ 1, 2, 3, 4, 5। सोनू से पूछूंगा वो भी बताएगा, मोनू से पूछूंगा वो भी बताएगा, अमेरिका वाले बंदे से पूछूंगा वो भी ये बताएगा, किसी गांव वाले बंदे से पूछूंगा तो भी ये बताएगा, किसी का मूड खराब होगा तो भी वो ये बताएगा, किसी का मूड अच्छा होगा तो भी यही बताएगा। ऐसा थोड़ा ना कि मूड खराब हो गया तो एक कब कर देगा, 2-3-4 ही गएगा, ये मूड अच्छा है तो एक सर एक और ले लो, 6 भी ले लो। हाँ, ये वेरी नहीं कर रही, ये कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा। दिस इज वॉट इज कॉल्ड सेट। समझ आया? इसके अंदर कलेक्शन होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो कि चेंज नहीं होंगे, वो लिस्ट चेंज नहीं होगी, वो मेरी लिस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी। समझ आया ना? क्लियर है? ओके, तो अब इसकी जब अपन मतलब समझ चुके हैं तो लेट्स राइट समथिंग, कुछ नोट्स भी बना लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखना है आपको। सीधे स्टार्ट वहां से कर दिया, कोई बात नहीं। अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई ऐसे ही एक डेफिनेशन लिख देंगे, लिखिए सेट सेटिंग डाल दी ना आपने, उसके आगे लिखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिखिए ये सेट्स है, इसकी डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, well defined collection of objects which does not vary person to person, which does not vary from person to person। vary करने का मतलब समझते हो? vary बदलना, चेंज होना, वेरिएबल समझते कि तो ना, मैंने 10th क्लास में वेरिएबल मतलब जो चेंज हो, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉमा टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये हो गई डेफिनेशन। लिख लिया? ओके, चलिए अब बात करते हैं सेट को डिनोट कैसे कराते हैं। तो सेट दो तरीके से डिनोट किया जाता है, एक होती है हमारी टेबुलर फॉर्म या फिर उसको लिखते हैं अपन रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होती है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या डिफरेंस है पहले समझते हैं। देखो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म तो अभी जो मैंने बताई थी, जैसे कि मैंने कहा कि लेस देन सिक्स
नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स बताइए, नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स बताइए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स बताइए। तो आपने कहा सर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, एक लिस्ट की तरह एक टेबल बनाते हैं जैसे अपन टेबल में लिख देना, उसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और इसको लिखने के कुछ रूल्स बनाए गए कि इसके जो ये एलिमेंट, इसको क्या कहेंगे एलिमेंट्स, ये तो एक पूरा इस ग्रुप बन गया, इस ग्रुप के जो कलेक्शन है वो ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें डाल रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ये टेबुलर फॉर्म चल रही है, ठीक है। एंड द एंटायर सेट इज कवर्ड विथ कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस से इसको कवर कर देंगे, उसको एक नाम दे देंगे और नाम हमेशा कैपिटल लेटर देंगे, लेटर से मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। किस फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में। अब किसने कहा सेकंड फॉर्म, तो देखो उसका नाम ही बता रहा है, उसका क्या काम होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्ड करने वाली फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जो सेट बनाए बिल्ड करे। तो बिल्ड कौन करेगा, डेफिनेशन बिल्ड करेगी, बिल्ड कौन करेगा डेफिनेशन। तो देखा जाए तो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, इसी ने तो उसको बिल्ड किया। ऐसा कैसे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में हम नीचे लिख दें, कैसे, तो इसके लिखने का तरीका होता है ए इक्वल टू, वही कर्ली ब्रेसेस को लिखना है, एक्स इक्वल टू एक्स, जरूरी नहीं है एक्स आप वो ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, लेकिन जो भी लोगे स्मॉल लेटर लोगे। अच्छा एक और बात, अगर इसके अंदर, अगर ऐसा हो जाए कि इसके अंदर लेटर्स डालने पड़ रहे हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं अल्फाबेटिक, इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर्स का कलेक्शन है लेटर्स से, तो फिर वो जो लेटर्स डालेंगे ना वो स्मॉल लेटर में डालेंगे, किसमें डालेंगे वो स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी, क्योंकि नाम कैपिटल लेटर में होता है, उसके एलिमेंट्स अब अभी तो खैर नंबर्स हैं, नंबर्स तो स्मॉल एंड कैपिटल होते नहीं है, बट इन केस अगर अपने को लेटर्स डालने पड़ रहे हैं तो अपन स्मॉल लेटर में डालेंगे, ओके। तो एक्स इसका एलिमेंट है, तो एक्स मैंने क्या डाला स्मॉल लेटर में डाला, और एक कॉलन जैसे साइन होता है, कॉलन सेमी कॉलन कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं अपन, such that इसको क्या बोलते हैं, such that x is a natural number less than 6, समझे क्या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। या तो आपको इधर से इधर बना के देगा या फिर इधर से इधर बना के देगा। देखो सरल सी भाषा बताऊं, सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें प्रश्न होता है, रोस्टर फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें उसका उत्तर होता है। अब आपको कई बार मैथ्स में क्वेश्चन से आंसर बनाना पड़ता है, कई बार आंसर से क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है, उल्टे क्वेश्चन तो आते ही है ना, आते ही नहीं आते, अपन कोई भी टॉपिक सीखते हैं तो सीधे सीधे थोड़े क्वेश्चन आते हैं, उल्टे भी तो आते हैं, ठीक है। इस 1, 2, 3, 4, 5 ये फॉर्म किसने बनाई, किस स्टेटमेंट ने बनाई, इस स्टेटमेंट ने बनाई, तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा ये 1, 2, 3, 4, 5 ये तो फिक्स हो गया एलिमेंट वाइज, तो ये फिक्स हो गया, बट सेट बिल्डर फॉर्म बदल सकती है, कोई ऐसे भी कह सकता है सर ऐसे लिखो आप, तो x such that x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, बोलो फ्रॉम 1 to 5 भी तो यही आएंगे, कोई अलग आएंगे क्या। तो अभी मैंने कहा कि एक चीज का स्टेटमेंट वाइज में आंसर, जैसे आप ऐसे मानो कि एक सब्जेक्टिव पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो टिक मार्क करना है, सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्या करना है लिखना है, तो आपका लिखा हुआ उसका लिखा हुआ तीसरे का लिखा हुआ चौथे का लिखा हुआ एग्जैक्टली मैच कर जाए ऐसा कोई जरूरी है क्या। चारों के आंसर करेक्ट हो सकते हैं, चारों के, जैसे मान लो आप SST का पेपर लिख रहे हो, अब SST में थोड़ी ना आपने अकबर की कहानी अपने भाषा में लिख दी, उसने अपनी भाषा में लिख, सबका सही है लेकिन स्टेटमेंट तो सबके अलग है, बस वो का वही काम है, सब्जेक्टिव फॉर्म है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स बता दिए और इसमें एक स्टेटमेंट लिख दिया, उसकी डेफिनेशन 1, 2, 3, 4, 5 की क्या डेफिनेशन है उसके हिसाब से स्टेटमेंट बना दिया। अब वो स्टेटमेंट आप अलग बना सकते हो, मैं अलग बना सकता हूँ तीसरा, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इज दिस क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में एक और खास बात है, अगर आपको एलिमेंट्स रिपीटेड हैं आपके माइंड में है या आपके कलेक्शन में, तो आप उसको रिपीट करके लिखेंगे नहीं, एक बार ही लिखेंगे उसको, रिपीट करके नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक बार ही। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, अभी ये सब कुछ ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो नोट करना है वो बता दूंगा। लेट अस से मैंने आपको कहा कि ए एक सेट है जिसमें जिसमें ए नाम का एलिमेंट है, वो एक्स रखा था ना, तो एक्स का मतलब क्या था, एक्स टाइप का एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, अभी इसमें ए टाइप का एलिमेंट है। अब ए की डेफिनेशन दो सर, क्या टाइप है उसका, तो मैंने डेफिनेशन दे दी, ए इज ए वोवल, नहीं नहीं
ए इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, ए इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, ए इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ही ले लो, यही वर्ड ले लो लेटर, ए इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लेटर, ओके। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म से आपको इस सेट की क्या डेफिनेशन समझ में आएगी, इसके अंदर ए टाइप के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स हैं, और ए की डेफिनेशन क्या समझ में आएगी, ए इस लेटर वर्ड का एक ऑब्जेक्ट है, लेटर वर्ड का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब लेटर वर्ड में कौन कौन से, लेटर वर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैं, लेटर वर्ड में कौन कौन से लेटर, समझ पा रहे हो, ये चेंज करूं उसको वर्ड को, समझ गया ना, ठीक है। तो देखो एक एल है इसके अंदर, एक इसके अंदर क्या है बेटा एल, एक इसके अंदर क्या है बेटा ई, एक इसके अंदर क्या है, दो बार टी है, दो बार ई है, दो बार टी है और दो बार आर है। तो मैं जब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा कि एल कोमा ई कोमा टी, ये एल भी छोटा आएगा, एल कोमा ई कोमा टी कोमा टी कोमा ई कोमा, नहीं ये गलत तरीका है। कोई भी टर्म, कोई भी एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हो तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे, हम उसको एक बार ही, एक बार बता दिया ना कि हाँ L टू लेटर वर्ड का एक लेटर है, यस बता दिया, E टू लेटर वर्ड का एक लेटर है, तो दोबारा क्यों बता रहा है कि E टू लेटर वर्ड का लेटर है, बता दिया ना एक बार, एक कई बात को फिर से क्यों रिपीट कर रहा है, E है ना लेटर, पता चल गया, ओके। तो मैं क्या करूंगा, जो रिपीटेटिव लेटर्स उसको हटा दूंगा। बात करें ऑर्डर, तो ऑर्डर मायने नहीं रखता, टी पहले लिखो, एल पहले लिखो, आर पहले लिखो, कोई मायने नहीं रखता। रोस्टर फॉर्म में एक टेबल बनानी है, उसका अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो, बट कोई भी जो है ना एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सारी बातें समझ गए अच्छे से रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म के बारे में अच्छे से। चलो अब लिखते हैं, डेफिनेशन लिखी दी थी आपने, है ना, लिखिए हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। ये एक बार फैन ओपन करना, फैन फैन ऑन, दो मिनट बंद करके वो चला लो सर, प्रोजेक्टर तो नहीं चला रहे होंगे यहाँ पे, मैं देख के आता हूँ, आप जितना ही नोट डाउन करो, जितना कर पा रहे हो फिर आगे समझ। चलो यहां तक लिख लिया, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, देयर आर टू फॉर्म्स, वन फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, अदर नेम इज, रोस्टर फॉर्म का अदर नेम इज टेबुलर फॉर्म, एंड द अदर फॉर्म इज, द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ नोट्स हैं इससे रिलेटेड, डेफिनेशन तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दी, इसकी कोई ऐसे नहीं कहेगा व्हाट इज अ रोस्टर फॉर्म, वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है व्हाट इज अ सेट, सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। बाकी तो आपके क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो इसमें कुछ नोट्स हैं जो हमको याद रखने, बता चुका हूं मैं आपको, वैसे भी लिखने के तौर पे हम लिख देते हैं कि किसी भी सेट का जो नाम होता है, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर, दैट इज ए बी सी एंड सो ऑन, ओके। सेकंड, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, अगर आपको अंदर भी एलिमेंट्स भी लेटर रखने पड़ रहे हैं तो फिर वो स्मॉल लेटर होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड सो ऑन, और फिर नंबर्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और चीजें भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, बट अगर लेटर्स रखने पड़ रहे हैं तो यू विल राइट स्मॉल लेटर्स, आप अंदर कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशलाइज स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। देखो कई बार क्या होगा, इसमें क्वेश्चन आएगा सेट का भी सेट बनाएगा, क्या कहा मैंने, सेट का भी सेट बनाएगा, अब सेट ऑलरेडी कैपिटल लेटर में, तो ऑब्वियसली वो बड़ा सेट होगा उसमें कैपिटल लेटर्स आएंगे, तो वो तो एक स्पेसिफिक एक अलग से बता दिया भाई ऐसा हो रहा है इसलिए आपने अंदर कैपिटल लेटर्स लगे, जनरली अंदर क्या रहेंगे स्मॉल लेटर रहेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर नोट है, वी ऑलवेज पुट कर्ली ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट्स अराउंड द सेट, ठीक है, ये तीन बातें हैं जो सेट को बनाती है, लिख लो। कर्ली, कर्ली की स्पेलिंग शायद ये होती है,
अच्छा एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, दैट इज ए बी सी और नंबर एटसेट्रा. थर्ड नंबर नोट इज वी ऑलवेज पुट कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स अराउंड अ सेट. कर्ली ब्रेसेस कैसे होते हैं सब जानते हैं ना, इस टाइप के होते. ओके हो गया. ये जो लगाया है ये मतलब ये आपको सेट में नहीं लगाना है, ऐसा नहीं लगाना भाई आपने लिख दिया तो आपको ऐसे भी लगाना है, ये तो बताने का तरीका है ना. ये मतलब नोटेशन में केवल ये दो साइन है, इसके अंदर के एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर, है ना. ठीक है ओके, तो यहां तक हो गया हमारा काम. ठीक है आगे बढ़ते हैं. ठीक है चलिए, अब सेट को कैपिटल लेटर से तो डिनोट कराते हैं. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसी को ढूंढ रहा था मैं, आपने लिया. ओके तो सेट को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल सेट्स हैं जिनके लेटर्स फिक्स कर दिए. आपका ये लेटर फिक्स हो गया, क्यों? क्योंकि वो बार बार आएंगे. अब बार बार आएंगे तो क्या बार बार अलग अलग लेटर रखेंगे, अलग अलग लेटर खुद ही कंफ्यूज होंगे भाई. जो चीज रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, हर दूसरे क्वेश्चन में आ रही है, इसमें भी आ रही है, पूरी कैलकुलस में भरी पड़ी है, रिलेशन फंक्शन इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी आ रही है. ट्रिग्नोमेट्री में भी अब ट्रिग्नोमेट्री को सेट के फॉर्म में पढ़ने वाला है. सारी मैथ्स आपकी सेट से चलेगी, सारी मैथ्स आगे की, कुछ एक आध चैप्टर्स को छोड़ दिया ना. तो जब कुछ नंबर्स के स्पेसिफिक सेट बार बार आ रहे हैं जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, तो क्यों ना उनके नाम को फिक्स कर दिया जाए. तो कुछ नाम फिक्स कर दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, ऊपर हेडिंग लिख दीजिए सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड सेट्स. सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड सेट्स, कुछ सेट्स फिक्स है ना, स्टैंडर्ड है. ठीक है, जैसा कि सबसे पहले R फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब देखो 10th तक आपने सारे नंबर्स पढ़े, देखे, सुने, बताया भी था आपको, सारे रियल है. इस साल आप वाकई होंगे चैप्टर नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर से, ऐसे नंबर जो रियल है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते. तो उसके लिए फिर जो सेट का लेटर मिलेगा वो उधर ही देखेंगे, अभी तक तो रियल ही है सब, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, Q for the set of all rational and similarity for the set of all irrational numbers. Q is the set of all rational numbers and T is the set of all irrational numbers. और वैसे इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये करते करते याद हो जाता है. जैसे R for real क्या याद करोगे इसमें, R for real. अब कुछ स्पेसिफिक है जैसे कि Q for rational, तो अभी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें क्वेश्चन खुद ही कहेगा कि let Q be the set of real numbers, rational numbers, खुद ही बताएगा. तो बार बार करते करते खुद को याद हो जाएंगे. ओके N for natural, ये तो बहुत ज्यादा रिपीट होगा. एंड Z for integers, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होगा. Z for integers. And you must know the difference between integers and non-integers. पता है ना, ये बताने की जरूरत है. बोलो बोलो देर, what are integers and what are non-integers? अच्छा प्लस वाले नहीं हो सकते, ना ऐसा नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर्स होंगे जिसमें माइनस नहीं होंगे. बोलो, इंटीजर्स का हिंदी वर्ड बताया था 10वीं में, पूर्णांक, याद है? पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण मतलब कंप्लीट, अंक मतलब कंप्लीट नंबर. जैसे ये 1, जैसे 2, 3, 4, -1, -3 कंप्लीट नंबर्स हैं. इनकम्प्लीट कौन से, आधे अधूरे, जैसे 1.5, जैसे 1.6, जैसे 0.99, जैसे -7.3, ये इनकम्प्लीट है. फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आना चाहिए, वो नॉन इंटीजर्स होते हैं. जो कंप्लीट हैं, पूरे हैं, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इवन जीरो भी एक इंटीजर है. ओके, आर प्लस, अब किसी नाम के आगे प्लस माइनस ऐसे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लगा दे. सुपरस्क्रिप्ट समझते हो, ऊपर एक इंफॉर्मेशन दे उसको सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे इंफॉर्मेशन देते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ए, उसके नीचे मैंने लगा दिया एक्स, तो ये एक्स क्या है, सबस्क्रिप्ट है. और अगर मैंने ऊपर लगा दिया
सुपरस्क्रिप्ट है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज है ओके। तो आर प्लस इसको रीड करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आएगा तो प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो आर का मतलब रियल नंबर्स था ना पहले से ही, तो आर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर का मतलब रियल नंबर्स था ही सही ना, तो आर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। सिमिलरली नेगेटिव लगा दूं तो नेगेटिव रियल, अब सारे मत लिखो समझ में आ जाए बस उतना ही लिख दो ठीक है ना, अब समझ सब में प्लस 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 लगा दो तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, एन प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ठीक है, क्यू प्लस लगा दिया सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल, लिख दो जितने इसमें लिखे हैं वो तो लिख दो ठीक है, जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है क्लियर, यहां तक लिख लिया ठीक है। अब देखिए इन नंबर्स के बारे में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स देखे पड़े सुने सारे रियल हैं, रैशनल मतलब जिन रियल नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, जो लिखे हुए हैं या लिख पाते हैं वो क्या होते हैं रैशनल, जहां पे पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स ठीक है ना, जैसे 0.5 को क्या लिख पाते हैं 5/10, तो 5 भी इंटीजर 10 भी इंटीजर, तो वो रैशनल है, जिसको नहीं लिख पाते वो क्या है इरेशनल, जैसे कि इरेशनल का एग्जांपल जैसे कि रूट टू को मैं ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूँ रूट टू बाई वन, तो वन तो इंटीजर है लेकिन रूट टू इंटीजर नहीं है, रूट टू की जो वैल्यू है वो इनकम्प्लीट है 1.414, तो ये नॉन इंटीजर है, तो इसको मैं पी वाई क्योंकि ऐसी फॉर्म में नहीं लिख पाया जिसमें पी एन क्यू इंटीजर्स थे, तो इसको क्या कहेंगे ये रैशनल है ठीक है क्लियर है, इंटीजर्स बताई दिया। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स में से आप नेगेटिव हटा दो, इंटीजर्स कौन से होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके टेंड करते हैं, और लाइक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये होते हैं सारे इंटीजर्स ठीक है ना। अब क्या मतलब माइनस इन्फिनिटी तक ऐसे इंटीजर्स लेके जाने हैं, प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे इंटीजर्स लेके आपको जाने हैं ठीक है। तो अगर इसमें से मैं ये सारे नेगेटिव हटा दूं, प्लस जीरो को भी हटा दूं, तो जो अब इंटीजर्स बचे हैं उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको नेचुरल नंबर्स। तो आई कैन से नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कैटेगरी है वो ही नेचुरल नंबर्स है, ये सुनो। और होल नंबर्स कह दूं तो होल नंबर्स में एक ये जीरो और शामिल हो जाता है, इनके साथ ये जीरो और शामिल हो जाता है तो क्या बन जाता है होल नंबर्स, क्या बन जाता है होल नंबर्स, ये पूरी कैटेगरी क्या बन गई है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को मैं क्या कह सकता हूं बताओ, इंटीजर्स की डेफिनेशन में क्या कह सकता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स तो हैं है ना, इंटीजर्स तो हैं बट वो नेगेटिव नहीं है, वो जीरो हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं ठीक है क्लियर है, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया ओके। उसके बाद प्लस लगाने का मतलब समझ गए कि पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस लगा दूं तो नेगेटिव हो जाएंगे ठीक है। अब सेट में एक चीज होती है, हालांकि उसकी परिभाषा भी मैं बाद में दूंगा, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में आएगी उसकी परिभाषा, लेकिन कुछ चीजें लिखवानी इसलिए थोड़ा सा उसका बता देता हूँ ना। देखो अब आपको समझ में आ गया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कोई कलेक्शन छोटा भी होगा कोई कलेक्शन बड़ा भी होगा, होगा नहीं होगा, जैसे भी मैंने कहा इंटीजर्स तो इंटीजर्स बड़ा कलेक्शन है, फिर मैंने कहा नेचुरल नंबर्स तो वो छोटा कलेक्शन है, छोटा कलेक्शन है दैट मींस उसमें से नेगेटिव हटा दिया मैंने एंड जीरो हटा दिया, मैंने कहा होल नंबर्स भी सारे इंटीजर्स से तो छोटा ही है लेकिन नेचुरल से बड़ा है, नेचुरल होल से छोटा है, तो कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे चलता रहेगा। तो अगर एक बड़े सेट में से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके एक छोटा सेट बनाया जाए तो उसको कहा जाता है कि ये सेट इस सेट का सब सेट है, क्या कहा जाता है सब वर्ड कहाँ लग जाता है, सब वर्ड तब लग जाता है जब कोई किसी का जूनियर होता है, कहते हैं सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, तो उसका जूनियर है, तो वो सेट उस सेट का जूनियर सेट है, उसी से बना हुआ है, उसी से बना हुआ है, उसके एलिमेंट से बना हुआ है ठीक है। और सब सेट को डिनोट करने का एक साइन होता है सेट्स की दुनिया में इस तरीके का, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, इस साइन को रीड करते हैं अपन सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, जैसे मैंने इधर ए रख दिया इधर बी रख दिया, दैट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जैसे कि अभी सपोज करो नेचुरल नंबर का सेट था, वो सबसेट था ना इंटीजर्स का, था कि नहीं था, इंटीजर्स बड़ा सेट था, उसमें से कुछ सेलेक्ट किए मैंने पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट किया और एक नया सेट बना दिया जिसको नेचुरल नंबर्स लिख दिया, तो नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स लिख सकता हूँ ना, हाँ ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं, इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, अगर लिखा हुआ है तो मेरे को नॉट ए सबसेट लगाना पड़ेगा
जब सेट सबसेट का साइन ये है तो नॉट ए सबसेट का साइन ये हो जाएगा, होगा ना। तो इन सारे लोगों में से जो स्टैंडर्ड लोग हैं इनमें से कौन किसका सेट है कौन किसका सबसेट है, एक बार अपन वैसे तो बता दिया मैंने आपको, एक बार अपन मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मतलब इनकी ट्री बना दिया जाए कि कौन किसका बेटा कौन किसका बेटा, जैसे ट्री बनाते हैं अपन, चार्ट बनाते हैं, वैसा अगर बना दिया जाए तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे। देखो सबसे पहले दुनिया में रियल नंबर्स आए, वैसे तो रियल से भी बड़े नंबर्स हैं, मतलब रियल का भी एक भाई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन वो अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। रियल नंबर्स फिर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल, क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, कुछ कुछ बातें अभी याद करते हुए चलनी है, पी इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, फिर उन रैशनल नंबर्स में से सेलेक्ट हुए कंप्लीट नंबर्स, इनकम्प्लीट को हटा दिए, डेसिमल हटा दिए, फ्रैक्शन हटा दिए, तो क्या मिले, इंटीजर्स, इंटीजर्स में से सेलेक्ट हुए नेचुरल नंबर्स, अभी हमें चाहूं तो उसके बीच में होल नंबर्स भी बिठा सकता हूं और होल से सेलेक्ट करके नेचुरल नंबर बना सकता हूं, क्योंकि होल में जीरो आता है, नेचुरल में वो भी नहीं आता, तो ऐसे आप बना सकते हो खुद, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये चार्ट बना दो, उसके नीचे ये चार्ट बना दो, उसके नीचे बना लिए, ठीक है। और इस चार्ट के हिसाब से वो सबसेट वाली डेफिनेशन लिखें, तो कैसे लिखेंगे, देखो नेचुरल नंबर इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस साइड से जाएं तो ऐसे लिखेंगे, इस साइड से जाएं तो इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब कोई इधर से इधर आना चाहे तो फिर नॉट ए सबसेट आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर इज ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, आप कहोगे नो, तो आप क्या लिखोगे, तो बेस्ड ऑन दिस चार्ट कुछ कुछ हमने रिजल्ट्स लिखे हैं इस तरीके से, रिजल्ट नंबर वन, रिजल्ट नंबर टू, रिजल्ट नंबर वन, रिजल्ट नंबर टू, रिजल्ट नंबर थ्री, लिखो, लिख लिया पहले लिख लिया, ओके चलो चलिए। तो ये हो गए स्टैंडर्ड सेट्स कुछ हमने जो सीखे, राइट, आपकी बुक में देख लेते हैं कुछ अगर एक आध छूट गए हो तो, एन आ गया, जेड आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, वही है जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, ओके फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, दो तरीके होते हैं आपको बताई दिए, वैसे एक और फॉर्म होती है इंटरवल फॉर्म, वो चौथी पांचवी एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस होगी, है ना, तो उसके बारे में, वो इंटरवल फॉर्म जो है वो एक तरीके से इन दोनों फॉर्म्स का मिक्सचर है, उसमें कुछ थोड़ी तो डेफिनेशन दे देते हैं और थोड़ी थोड़ा एलिमेंट्स अलग अलग लिख देते हैं ना, लेकिन अभी उसका रोल नहीं है। तो देखो आपकी एक्सरसाइज नंबर वन तक का काम हो चुका है, ठीक है, तो अपन ऐसे ही चलेंगे, एक्सरसाइज वन में जितना जरूरी उतना ही पढ़ेंगे, फिर वन कर लेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऊपर ऊपर से कर लिया एक अलग चीज है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ लिख दिए और फिर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता था ये तब पॉसिबल हो सकता है जब ऐसी चीजें हों जो पहले आई है, नई चीजों में हमको होले होले चलना पड़ेगा, फूंक फूंक के कदम, ठीक है ना। तो पहले एक्सरसाइज का काम हो चुका है, तो चलते हैं पहले एक्सरसाइज पे ना, इसके आगे के नोट्स फिर बाद में लिखेंगे जब दूसरी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी हमको, यहाँ तक कर लिया हमने, प्रॉपर्टीज हैं ये सब बाद में होगी, ओके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देख लूँ और कुछ बचा हो तो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, एम्प्टी सेट, अच्छा हाँ टाइप्स ऑफ सेट जो है वो इसका पार्ट है कि नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ, पूरा ही बंद हो गया, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड एक्सरसाइज का पार्ट है, पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर चलते हैं। Thank you.
ठीक है, एम टी सेट सेकेंड एक्सरसाइज का पार्ट है। चलो तो फिर सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हेडिंग मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिक क्वेश्चंस आएंगे स्टार्टिंग में, हो सकता है थोड़े बोरिंग भी लगे शुरुआत में। 1.1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, इनमें से कौन सी चीजें जो कलेक्शन है वो सेट्स हैं और कौन से नहीं है। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको जस्ट बताना है कि है या नहीं है ना, और जस्टिफाई भी करना है, एक लाइन लिख देना है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ्स का मैं कलेक्शन बनाऊं, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट जनवरी, यू विल गेट जून, यू विल गेट जुलाई, दैट्स इट। तो किसी से पूछे, अच्छा अब आप ऐसे मत कहना कि सर किसी को पता नहीं हो, तो कोई छोटा बच्चा हो, तो कोई मंदबुद्धि हो, तो कोई पागल हो, तो ये सारी चीजें, या कोई झूठ बोल रहा हो, तो ये चीजें साइड में हटाएंगे। हम मानेंगे सबको सब पता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई मंदबुद्धि नहीं है, कोई पागल नहीं है, ठीक है, और फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में सब लोग जनवरी जून जुलाई ही आंसर देंगे। सो इसको मैं क्या कर दूंगा, यस 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 द गिवन कलेक्शन इज अ सेट, द गिवन कलेक्शन इज अ सेट। एक कोई भी आंसर की प्रेजेंटेशन आप लिख लो, फिर अपन ओरली करेंगे, बाकी आप अपने आप कर लेना, है ना, इसमें कुछ ऐसा खास है। द गिवन कलेक्शन इज ए सेट, और जस्टिफाई भी करना है, बिकॉज बिकॉज because it does not vary from person to person, place to place and time to time, place to place and time to time। okay ना, समझ आया ना। देखो अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे वर्ल्ड के सबसे फेमस क्रिकेटर का नाम बताओ, तो ऑब्वियसली इंडिया में रहने वाला कोई भी नाम देगा सचिन तेंदुलकर। हो सकता है कि पूरी इंडिया से एक ही नाम निकले, बट जाओ एक बार अमेरिका, अमेरिका में अभी कुछ साल पहले की बात कह सकता हूँ मैं, 3 या 4.5 साल हो गए उस बात को, तो कोई है ना फ्रेंडली कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, शेन वॉन एंड सचिन तेंदुलकर उसके वो थे पार्टिसिपेंट्स थे, और वो रोडों पे ऐसे ही घूम रहे थे और कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था कि ये तेंदुलकर है, हाँ, क्योंकि वहां पे क्रिकेट फेमस ही नहीं, वहां तो बेसबॉल चलता है, वहां तो फुटबॉल चलता है, ये रग्बी चलता है वहां, तो समझ में आई बात। तो प्लेस टू प्लेस चेंज हो गया ना, फेमस क्रिकेटर का नाम ही चेंज हो गया, बताओ हो गया ना, तो वो भी सेट नहीं होगा। ओके क्लियर है ना, प्लेस टू प्लेस भी चेंज हो सकता है, हाँ, या फिर टाइम टू टाइम। आज से 30 साल पहले 35 साल पहले कोई पूछता फेमस क्रिकेटर आप कहते कपिल देव, फिर थोड़े टाइम के बाद आप कहते सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अभी आपको विराट कोहली, कल को कोई नई चीज निकल के आएगी, तो ये टाइम टू टाइम भी चेंज हो रहा है कलेक्शन, तो ये भी सेट नहीं है। ओके तो आप क्या लिखोगे, द गिवन कलेक्शन इज अ सेट। अगर सेट है तो फिर आंसर भी दे दो, आंसर दे दो, जैसे ए इक्वल टू जो भी आंसर है, अगर सेट का आंसर आपका यस आया है तो फिर आप आंसर भी देके बताएंगे, जनवरी जून जुलाई, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अभी अपन बात कर रहे थे मोस्ट टैलेंटेड की बात हो रही है, तो मोस्ट टैलेंटेड तो आपके अकॉर्डिंग अलग है, मेरे अकॉर्डिंग अलग है, सबके अकॉर्डिंग अलग है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसका आंसर, इसका आंसर मैं लिख दूंगा कि नो नो द गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट, नो द गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट। और जब सेट है ही नहीं तो कोई डेफिनेशन दे नहीं सकते, ए बी सी डी, जब सेट ही नहीं है, सेट होगा तो ये तो डेफिनेशन देंगे, और इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे, बिकॉज इट चेंजेस, इट वेरीज, इट डज नॉट वेरी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फाइन। सेम टू सेम आंसर आप थर्ड का दोगे, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, अमेरिका में कोई बैठा है उसके लिए कोई और हो सकता है, कोई बुजुर्ग आदमी है जिसने सुनील गावस्कर का जमाना देखा उसके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंग कोई और होगा। ओके द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब आप केवल इतना बताओ है या नहीं, प्रेजेंटेशन करना आपको आई गया ना, तो ये तो था, ये नहीं था, ये भी नहीं था। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं सबका कलेक्शन सेम ही आएगा ना, फिक्स है ना भाई, हाँ इतने लड़के हैं ये लड़के हैं। अब मैंने क्या कहा कि झूठ बोल रहा है, जानता नहीं है, नया है क्लास में, ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं लेके आने, है ना, सब सब कुछ जानते हैं तो सबका आंसर सेम रहेगा ना,
तो बस यस इट इज ए सेट। आ जाओ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 ऑब्वियसली सेट बनाएगा। 100 से कम नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 से लेकर 99, तो हर कोई ये आंसर देगा। बिल्कुल लिखना है ऑब्वियसली, तो तभी तो दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, तभी तो दूसरी फॉर्म है। जब आपको लगे कि आपका सेट बड़ा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 99। ये तरीका भी है ना, तरीका भी है शॉर्ट में लिखने का भी, अब बीच के सारे काउंट कर लेना, नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म तो है ही सही। ये कि ये लाइन उठा के से चिपका दो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। इवन अभी तो एक इंटरवल फॉर्म भी आएगी, उसकी बात भी करेंगे, हालांकि इंटरवल फॉर्म केवल रियल नंबर्स के लिए होती है, नेचुरल नंबर्स है और किसी के लिए नहीं होती है, बट फिर भी आएगी वो भी, है ना। ओके तो ये भी सेट हुआ, कौन कौन से हो गए, ये हुआ था, ये नहीं, ये नहीं, ये और ये भी हुआ था। ए कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो राइट नॉवल्स लिखे हो तो फिक्स हो गए ना, अगर आप जानते हो तो आप वही आंसर दोगे जो दूसरा बंदे ने दिया है जो वो भी जानता है। अब आप जानते नहीं हो मुंशी प्रेमचंद ने कौन से नॉवल्स दिए थे तो वो फिर आपकी गलती है, फिर वो इस कारण से उसको सेट थोड़ा ना, सेट की डेफिनेशन से बाहर थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस इट विल ऑल्सो बी ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ऑब्वियसली, सारे के सारे इवन इंटीजर्स उठाने, 2 4 6। अच्छा आप ऐसे नहीं कह सकते सर तो अनगिनत है, अनगिनत है तो भी क्या हुआ, अनगिनत एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो भी सेट बनाएगा। अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जो फिक्स हो गए, इनफाइनाइट सेट जो चलते जा रहे हैं, लेकिन वो सेट है, लेकिन वो सेट है, समझ में आ गई ना बात। जैसे ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल, जैसे मैं कह दूं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल, तो 1 2 3 4 5 कभी खत्म होंगे, नहीं होंगे। तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर मैं तो बता ही नहीं पा रहा हूं तो इसलिए इसको सेट नहीं कहते, नहीं इसको सेट कहेंगे। आप बता तो पा रहे हो ना, और कैसे बताओगे, बता तो पा रहे हो बट ये कि आप गिन नहीं पा रहे हो, तो नहीं गिन पाना और नहीं बता पाना दो अलग अलग बातें हैं। नहीं गिन पाना इस उसके लिए आप है ना ऐसे नहीं कह सकते कि सेट नहीं। ओके क्लियर है। तो और भी है क्या साथ के बाद, और भी है क्या, दो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर ऑब्वियसली सेट होगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सबका एक कलेक्शन बना दिया जाए, तो सबको नाम दे दिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 या ए बी सी डी नाम दे दिया तो कलेक्शन बन सकता है ना, तो ये भी क्या बनेगा सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों का जो कलेक्शन होगा सेट होगा, सोच के बताओ, सबका अलग होगा। आपको छिपकली से डर लगता है, किसी को शेर से भी नहीं लगता ऑब्वियसली, तो आपके लिए छिपकली डेंजरस है, ये किसी के लिए चींटी भी डेंजरस है। सपोज करो कोई सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है जहां पे उसके आसपास नौकर चाकर काम करते हैं, तो उसको छिपकली देखते भी वो तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। और कोई गांव का आदमी है वो भालू भी देख ले उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये डेंजरस है क्या, नहीं है उसके लिए, शेर से भी लड़ ले। ओके समझ गई, तो इट विल ऑल्सो नॉट बी ए सेट, पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज हो जाएगा। तो एक बार आप इसका आंसर टैली कर लो बुक है ना, बस देखो तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ 8th तो था, 9th नहीं था, तो हमारे अकॉर्डिंग जो सेट होगा एक तो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड नहीं था, थर्ड नहीं था, फोर्थ वाला भी होगा, फिफ्थ वाला भी होगा सेट, सिक्स्थ वाला भी होगा, सेवंथ वाला भी होगा और 8th वाला भी होगा, ये सब सेट बनेंगे, सही है, कोई मिसमैच नहीं है, आंसर हमेशा मैच करते हुए चलना, ठीक है। ओके चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस। हाँ ये चीज बताना भूल गए, ये चीज बताना भूल गए, हमारे नोट्स में नहीं मिला क्या हमको चीज, और फिर सबसेट भी है गया इसमें, सबसेट नहीं, सबसेट का सिंबल अभी इंट्रोड्यूस नहीं है, ये सिंबल आ गया हमारे नोट्स में कैसे नहीं दिखा, एक मिनट यहाँ पे सबसेट वर्सेस बिलोंग्स टू, ओके फाइन ऐसे लिख लो आप, मैं आपको लिखवाता हूं, देखो बेटा एक साइन होता है इस तरीके का, ये साइन क्या डिनोट करता है ना,
इक्वालिटी का साइन तो सेट में भी ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज, कुछ भी कभी भी हो जाए, इक्वालिटी का साइन हमेशा ही रहता है। बस फिगर्स के अंदर वो साइन ऐसे हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी बन जाता है। फिगर्स होते हैं ना जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, तो ये साइन ऐसा बन जाता है। बाकी उसके अलावा हमेशा ये साइन सेट में भी ऐसा ही रहेगा ना। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं? अब आपके नोट्स में लिखो इस चीज को। इस साइन को अपन लिखते हैं, छोटा सा कहीं भी एक आध लाइन बची हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बिलोंग्स टू। ये साइन क्या करता है? एक सेट और उसके एलिमेंट, एक सेट और उसके एलिमेंट के बीच का रिलेशन बताता है। कि बीच का रिलेशन मतलब केवल इतनी सी बात बताता है कि इसका एलिमेंट है, ठीक है? तो लिखिए दिस साइन, दिस साइन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट, प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट, इंफॉर्मेशन दैट द गिवन ऑब्जेक्ट, द गिवन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट, द गिवन ऑब्जेक्ट is an element of a given set. ठीक है, अगर ऐसा लगा हुआ है तो belongs to, और अगर ऐसा लगा हुआ है तो does not belong, does not belong to. ठीक है, अब सुनो, बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक रखना, ताल्लुक रखना। जैसे सपोज करो मैंने एक सेट लिखा ए, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4 5, फाइन। तो एक जो जो वन जो ऑब्जेक्ट है वो ए सेट से ताल्लुक रखता है, तो मैं क्या लिख दूंगा? वन बिलोंग्स टू ए। टू भी रखता है, मैं क्या लिख दूंगा? टू बिलोंग्स टू ए। थ्री भी रखता है, 3 belongs to A. 4 भी रखता है, 4 belongs to A. 5 भी रखता है, 5 belongs to A. लेकिन अगर मैं लिख गया 6, does not belong to A. सिंपल सी बात है, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें चीजें फिक्स हैं, इसमें चीजें फिक्स हैं कि लेफ्ट, आप ऐसे नहीं कह सकते सर आप ऐसे भी लिख दो फिर तो A belongs to 1. ताल्लुक तो A भी 1 से रखता है भाई, 1 का 1 ही A से थोड़ा ताल्लुक रखते हैं। जैसे बाप बेटे हैं, बाप बेटे हैं तो बाप भी बेटे से ताल्लुक रखता है, तो बेटा भी बाप से रखेगा। बट यहाँ पे सिस्टम फिक्स है बेटा, इधर तो बेटा ही आएगा, उधर बाप आएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा एलिमेंट आएगा एंड राइट साइड में हमेशा सेट का नाम आएगा। क्या लिखा अपन ने? दिस साइन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन देता है? कि गिवन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। लेफ्ट साइड में रखा हुआ जो जो भी चीज दिख रही है वो एक एलिमेंट बनेगा किसका? राइट साइड में जो चीज रखी हुई है उस सेट का। ठीक है, क्लियर है? आप ऐसे मत लिख देना, क्लियर है? चलिए अब आइए क्वेश्चन पे, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इस क्वेश्चन में कि बिलोंग्स टू आएगा या फिर डज नॉट बिलोंग टू आएगा। और आपको एक सेट दे रखा है ए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो सेट लिख लिया हमने, बताओ 5 इससे ताल्लुक रखता है, लिखूंगा 5 बिलोंग्स टू ए। 8 नहीं रखता है, डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 रखता है क्या? डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 रखता है क्या? बिलोंग्स टू ए। 2 रखता है क्या? बिलोंग्स टू ए। 10 रखता है क्या? डज नॉट बिलोंग टू ए। ये सेट लिख लो और ये सारे आंसर्स लिख लो फटाफट। शुरू के क्वेश्चंस बड़े आसान और बड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन जितना हो सके डेप्थ में समझने की कोशिश करना। मन में किसी भी प्रकार का उछल पुछल डाउट हो ना तो पूछ लेना, ठीक है? अक्सर क्या होता है, नए टॉपिक में डाउट्स होते भी हैं। कई बार बताए क्या होता है, नया टॉपिक होता है ना, उसमें हमको डाउट क्या है हमको पता ही नहीं होता है। ऐसा भी होता है, मतलब मन में उथल पुथल तो होती है लेकिन आपको पता नहीं कि पूछूं कैसे। तो आप तो जैसे भी मन में जिस टाइप की डाउट है ना पूछ लेना, फायदे में रहोगे। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको क्या लिखना है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में ना, x such that x is an integer, x such that मतलब एक डेफिनेशन दी हुई, बिल्डर बिल्ड करने की एक डेफिनेशन दी हुई है। तो मैंने क्या कहा था, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन होती है, रोस्टर फॉर्म उसका आंसर की तरह ले सकते हो। और अगले क्वेश्चन उल्टा कर देगा सेट बिल्डर फॉर्म, अब की बार आंसर दे दिए, क्वेश्चन बनाना है। तो सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म लिखना काफी आसान है, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना थोड़ा सा मुश्किल,
मैं इसलिए कहूँ बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलो ए का आंसर क्या लिख सकता हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, है ना। तो x a के अंदर x टाइप के एलिमेंट्स हैं और x एक इंटीजर, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर है, और x माइनस तीन से बड़ा है और सात से छोटा है। तो ये सारी परिभाषाएं फुलफिल करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे इसमें। माइनस तीन से बड़ा चाहिए तो माइनस टू, और सेपरेट कैसे करोगे कॉमा से, माइनस वन देन जीरो देन वन देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव एंड देन सिक्स, दैट्स इट। लिखो ये सर उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो और फिर ये इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो। किसी भी चीज को फोर ग्रांटेड मत लेना कि ये छोटी सी चीजें क्या लिखूं, कई बार बच्चे इसको छोड़ देना है, क्या लिखें इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, बट क्या होता है कि लिखते लिखते चीज आती है ना, लिखने से बहुत कुछ चीज समझ में आती है। समझी हुई चीज को फिर से लिखने में कोई शर्म नहीं, ठीक है। बात करें बी की, लिख लिया हो तो ठीक है, बी की बात कर रहा हूं मैं। देखो बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, अगेन एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, छह से छोटे, बोलो कौन कौन से आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। देखो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पहला चैप्टर है ना बेटा वो नॉलेज ऑफ नंबर्स के बारे में, और हर बार ऐसा ही होता है, नाइन्थ में भी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आया था नॉलेज ऑफ नंबर्स, टेंथ में भी पहला चैप्टर रियल नंबर्स आया था नॉलेज ऑफ नंबर्स, तो इसमें भी नॉलेज ऑफ नंबर्स ही ले रहे हो। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी, एक्स इज ए टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का नंबर है और उनके सम डिजिट्स का सम क्या है, आठ। टू डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, टेन से, खत्म कहां होते हैं, 99 पे। तो 10 से लेकर 99 तक वो सारे नंबर सोचने हैं आपको। थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं। हाँ, सी की, सी का आंसर यहां लिख देंगे। 10 से लेकर 99 तक वो सारे नंबर सोचने जिनमें सम ऑफ डिजिट्स क्या आता हो, आठ। तो 10 में सम ऑफ डिजिट्स आठ आता है, बोलो 11 में आता है, 11 में सम ऑफ डिजिट्स आठ आता है क्या, एक और एक आठ थोड़ा है, नहीं समझे, इसका सम ऑफ डिजिट्स आठ आना चाहिए। तो 1 प्लस 1 तो 2 होता है ना, बोलो 12 में 3, 8 तो नहीं आ रहा ना, 13 में 14 में 15 16 के बाद 17 8। तो पहला नंबर क्या मिला मुझे जिसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या मिल रहा है, दो डिजिट का नंबर जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 8 मिल रहा है, तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा 17, और हर एक लाइन में एक ही मिलेगा। अब इस 11 से 20 वाली लाइन में नहीं मिलेगा, अब 21 से 30 वाली लाइन में बोलो सम ऑफ डिजिट्स 8 चाहिए, तो 26, 21 से 30 वाली लाइन में बोलो, देखो ये बढ़ाए जाओ 1, 2, 3 और वो घटाए जाओ 7, 6, 5, वेरी इजी। ठीक है, आगे बोलो, अगला बोलो 4, 4, 44, फिर 4 से आ गया 54, फिर अगला गया 53, फिर अगला गया 62, उससे अगला 71, उससे अगला 80 भी आएगा, दैट्स इट। 80 के बाद तो अगर नंबर्स अगर हम काउंट करेंगे तो 8 से सम ज्यादा हो जाएगा, सो दिस इज द आंसर, लिख लो सी का आंसर। जनरली आपको रोस्टर फॉर्म उसी की लिखवाएगा जो सीमित होगा, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, और जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जनरली जानबूझ के उसकी सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखवाता है आपसे, ठीक है ना। ठीक है, डी, सेट नंबर डी यहां लिख देते हैं इसके सामने। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अच्छा, प्राइम नंबर पता है सबको क्या होते हैं, क्या किससे हो सकते हैं, किससे हो सकते हैं, किससे हो सकते, किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे या किसी के, वन और खुद से, वेरी गुड, जो वन और खुद की टेबल में है, सिंपल सी बात है, और किसी की टेबल में ना है। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखना शुरू करें तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, पता है, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं,
ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 60 तक आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने बोलते जाओ। अब आपकी देखो नॉलेज ऑफ नंबर्स चेक हो रही है, पहले चैप्टर है। 2 आगे, 4 3 आगे, 5 7 11 13 हाँ, फिर हाँ 19 आगे 23, यस 23 के बाद 29, 29 के बाद आएगा आपका 31 का नंबर, 31 के बाद आएगा 37 का नंबर, 37 के बाद आएगा 41, देन इट विल बी 43, देन 47, 47 के बाद आ जाओ 50 की लाइन में, 53 भी प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता, 57 तो आता है, 93 या 57, ठीक है। 61 तो लेना ही नहीं है। अच्छा सॉरी, एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, आगे क्या है, मैं इसको लेस देन 60 पढ़ रहा हूँ इतनी देर से, लेस देन 60 नहीं है, विच इज ए डिवीजर ऑफ 60, डिवीजर ऑफ 60 मतलब 60 को वो डिवाइड करना चाहिए, तो ये सारे गलत है, 53 तो ना 60 को डिवाइड करता है, कम करो कम करो, देखो 2 जो है 60 को डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है, दैट्स इट, बस 3 ही आएंगे, और तो कोई कर ही नहीं सकता, और अगर कर पाएगा इनके अलावा तो प्राइम नहीं होगा, तो वो प्राइम नहीं होगा। इसका आंसर चेक करना है, 235, और मैं उसको डिवीजर ऑफ 60 की जगह गलती से मैंने क्या रीड कर लिया, लेस देन 60, 60 से छोटे निकालने लगे हम लोग। ठीक है, उस पर कोई पेंसिल वेंसिल लगा दो, बार बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ई देखते हैं, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, अब मैंने क्या कहा था, जब लेटर्स लिखेंगे तो बस सारे के सारे लिख दो, कोई ऑर्डर मायने नहीं करता, बस रिपीट मत करना, बस एलिमेंट्स को क्या करना, रिपीट। तो टी लिख दूं, एक आर लिख दूं, इसके सारे लेटर्स लिखने हैं ना, आई जी ओ एन, अब एन के बाद ओ रिपीट हो रहा है मत लिखो, एम, फिर ई आ गया, ई पहले नहीं आया लिख दो, टी पहले आ चुका है, आर पहले आ चुका है, वाई आंसर लिखो। लिख लिया, सिमिलरली एफ का आंसर लिख दो, बेटर वर्ड के एलिमेंट्स लिखने हैं, बोलो क्या क्या लिखूं, ई आ गया ना, अरे हाँ, वो बी टी आर, ये ढंग से बना देना, थोड़ा कर ली प्रेसेस है, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 3 डन, रोस्टर फॉर्म में लिखना हमने सबको सीखा। अब उल्टा क्वेश्चन है और कंपैरेटिवली उससे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या सीखा था अपन ने, अब क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा आपको इसके एलिमेंट्स जो है 3, 6, 9, 12, इसमें एक चीज कॉमन ढूंढनी पड़ेगी जो सब में अप्लाई होती है और उसी से डेफिनेशन बनेगी, कॉमन चीज क्या है, तो 3, 6, 9, 12 में कॉमन चीज क्या है सोचो, 3 के मल्टीपल्स हैं, जो 3 की टेबल में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, 3 के मल्टीपल्स, और 3 के मल्टीपल्स ऐसे हैं, पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं, 3 के कौन से मल्टीपल्स हैं, पॉजिटिव मल्टीपल्स है ना, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेटर से ये सेट नंबर ए है ना, उसकी रोस्टर फॉर्म ये गिवन है, तो मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, या तो ऐसे लिख दो, मैंने क्या कहा इसकी इसका आंसर तो 10 लोग देंगे तो अलग अलग दे सकते हैं ना, तो एक्स इज अ पॉजिटिव क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो -3, -6, -9 भी होंगे ना, वो भी तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बहुत सारे भी होंगे तो 12 तक ही तो चाहिए, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये एक डेफिनेशन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही डेफिनेशन इसका आंसर है, क्योंकि डेफिनेशन तो आप दो तीन लड़के लोग तो दोनों तीनों लड़के अलग अलग भी दे सकते हैं ना, अब आपके मोस्ट वेली पीछे जो आंसर होगा ना इसका वो इस फॉर्म में होगा, देखो ए इक्वल टू एक्स सच दैट देखना ध्यान से, एक्स इक्वल टू 3n वेयर
एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एन लेस देन इक्वल टू फोर. अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो एक बार. आओ इस डेफिनेशन को पढ़ो. x सच दैट x इक्वल टू 3n. 3n का मतलब मल्टीपल ऑफ 3 तो होता है. n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है 1 और 4. लेकिन नेचुरल नंबर का सेट n कैपिटल n फिक्स है, लेकिन उसके एलिमेंट्स स्मॉल n फिक्स नहीं है. तो एक इंफॉर्मेशन और देनी पड़ेगी अभी, जो n का मतलब है वो नेचुरल नंबर ही है. मतलब n जो है नेचुरल नंबर के सेट से ताल्लुक रखता है. देखो पीछे ये आंसर है क्या. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में ज्यादा लिखना पसंद करता है इस वजह. अब आप वो लिख के आओगे तो गलत तो वो भी नहीं है, बट ऐसे लिखना आना चाहिए. लिखो और लगा के लिख दो, ये भी इसका आंसर हो सकता है. तनिष्क नहीं है अभी तक. क्या हो गया बेटा. हाँ ओके ठीक है, क्लियर है. एन का मतलब नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, और नेचुरल नंबर भी ऐसा जो 1 से शुरू हो और 4 पे खत्म हो. लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4. ये 1 n की वैल्यू रख सकते हो. जैसे n की वैल्यू में 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ और 4 रख सकता हूँ. 3 1 जा 3 मिला, 3 2 जा 6 मिला, 3 3 जा 9 मिला, 3 4 जा 12 मिला. तो ये 3 6 9 12 इस डेफिनेशन से बनाया जा सकते हैं ना. क्लियर है, समझ आ रहा है. ओके अब सेकंड बनाओ. देखें आप कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो इसकी. 2 4 8 16 12 ये आपको काम करना पड़ेगा. अब इसमें 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 के स्क्वायर. यस वेरी गुड. तो यानी कि इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5. तो नीचे का सेम है, ऊपर के लोग जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं. चेक करो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स ही तो है. कैसे लिखेंगे, इसको बी ले लेते हैं. तो बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल सच दैट लगाओ सॉरी एक्स x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n. भाई नीचे 2 तो फिक्स था ना, और ऊपर n जो नाम का नंबर था वो चेंज हो रहा था. और n कहां से कहां वेरी करेगा, कॉमा लगा के लिखो. n कहां से कहां वेरी करेगा, पावर 1 पावर 2 पावर 5 तक. बोलो तो कैसे लिखेंगे. n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, और n का मतलब नेचुरल नंबर के सेट से लेना है. ठीक है चलो c अगर इसको कह दूं. अब अपने आप बनाओ. हाँ तो कैसे लिखूंगा यहाँ पे, बोल बोल के बताओ. हाँ बोलो. हाँ सच दैट, पूरा रीड करना सीखो. x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n विल वेरी फ्रॉम, कितनी पावर ले रहा है वो, 1 2 3 4, 4 पावर ले रहा है. तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, चार ही तो ले रहा है, चार ही तो एलिमेंट है. और n इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है. यू गेट सी डी आ जाओ डी. अब डी तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 2 4 6, और ध्यान से देखो आगे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, यानी कि चलते ही जा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहे. तो इनफाइनाइट सेट है ना. तो आपको जैसे ये जो आप पाबंदी लगा रहे थे ना यहाँ पे, यहाँ लगा रहे थे, अब इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे. अब इसको आप लिखेंगे, मतलब ये अगर मैं ये दोनों हटा दूं तो ये भी सेट इनफाइनाइट बन गया. मैंने पाबंदी नहीं लगाई तो पाबंदी नहीं है. दैट मीन्स आप 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 से लिए जाओ. तो बस आप ये मत लिखो और पाबंदी हट गई. ठीक है, तो उधर ऐसी चीज नहीं लिखेंगे कि n इधर से शुरू होगा इधर खत्म होगा. तो कैसे लिखेंगे, d इक्वल टू x सच दैट 2 का मल्टीपल है. तो 2 का जब 3 का मल्टीपल था तो 3n लिखा था हमने, 3n लिखा था ना. 2 का मल्टीपल को क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे. ठीक है, वेयर n इज ए सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट से कौन कौन से नंबर निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलते जाएंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये नंबर्स मिलते जाएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली. इधर कोई पाबंदी रखी नहीं, उधर पाबंदी मिली नहीं. ओके इसको ई ले लेते हैं.
बोलो, एक से चार नौ किस टाइप के नंबर्स नहीं है, किस किस के, यानी नेचुरल नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो x इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट x इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर, ठीक है। और n जो है कहां से कहां वेरी कर रहा है, एक के स्क्वायर से दस के स्क्वायर तक ही लिया है उसने बस, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, पाबंदी लगानी पड़ेगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बट लेस देन इक्वल टू वॉट 10, एंड ऑल्सो n इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, सारी बातें लिखनी पड़ेगी, इसमें पाबंदी लगेगी, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस रोस्टर फॉर्म लिखनी है, लिस्ट करना है, लिस्ट करना है, दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ तो सेम ही है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, बताओ ऑड नेचुरल नंबर को कैसे लिख सकते हो, बोलो, ऑड भी होना चाहिए नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, कौन कौन से नंबर आएंगे, ऑड बेटा, ऑड कौन कौन से होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, ऑड ऑड 5, 7 इस तरीके के, और इसने कोई पाबंदी नहीं लगाई ना, इसने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि कितने लेने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, ये हो गया पहले काम से, ठीक है। सेकंड देखो, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, और x माइनस 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 1/2 से बड़ा, जस्ट बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन मिलेगा आपको, माइनस 1/2, समझते हो कौन सा नंबर होता है, माइनस, आप माइनस माइनस 1, माइनस 1 तो माइनस 1/2 से छोटा है बेटा, नंबर लाइन में ये 0 है, ये 1 है, माइनस 1 है, तो यहां पे आएगा ना माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 से तो छोटा है ना, माइनस 1/2 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, 0, ठीक है, और सारे इंटीजर से लेना, एक्स इज एन इंटीजर कह दिया उसने, तो वी विल राइट 0 और फिर 1 फिर 2 फिर 3 और 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, 4.5, तो 4.5 से जस्ट छोटा 4, ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। एक्स इज एन इंटीजर, अगेन एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, सोचो जरा x की जगह क्या नंबर लगाऊं कि उसका स्क्वायर 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा, और आगे बोलो, तो बराबर भी लिया ना उसने, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब है बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो 2 भी ले सकते हो, और कोई क्यों, 0 क्यों, -1 क्यों, -2, उसने इंटीजर कहा ना, उसने कहा नेचुरल नंबर, तो माइनस वाले भी तो होते हैं इंटीजर्स, तो बड़ा फूंक फूंक के मैं कह रहा हूँ, जितना आसान दिखता है ना उतना ही अगर डिटेल में जाए तो कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बेसिक चैप्टर होता है, ठीक है। सी इक्वल टू, बोलो इंटीजर चाहिए, एक्सक्वायर का एक्स स्क्वायर लेस देन 4 चाहिए, तो सबसे छोटा आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, ये 5 आंसर्स का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा नहीं होगा, बताओ, होगा ना, डी ई एफ, ये सारे बहुत आसान आ गए। X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, लॉयल का, लॉयल वर्ड के लेटर L O Y सारे आ गए, A, बस L दोबारा मत लिखना ना, रिपीट नहीं करते, L O Y A, ठीक है। X इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 दिन जिसमें नहीं होते हैं वो वाले मंथ लिखने हैं, बोलो कौन किस में 31 दिन नहीं होते, नॉट हैविंग लिखा हुआ है, तो बोलो कौन कौन से नहीं होते हैं, जनवरी में तो 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते एक, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, फरवरी, मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल में, अप्रैल में होते हैं क्या, नहीं होते, फिर मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में नहीं होते, नवंबर में, नवंबर में भी नहीं होते, अक्टूबर में तो 31 दिन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, ओके, ठीक है, पूरा लिखना फरवरी अप्रैल, ये भी शॉर्ट में समझा। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, तो क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, व्यंजन, स्वर व्यंजन, वोवल्स यानी स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे व्यंजन लिखने हैं, लेकिन प्रीसीड्स, प्रीसीड्स मतलब उससे पहले के से पहले के सारे आपको व्यंजन लिखने हैं, लिख सकते हो, बोलो ए तो स्वर हो गया, बोलो सबसे पहले क्या आएगा,
और क्योंकि अब अपन सेट का एलिमेंट लिख रहे हैं तो वी विल राइट स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स नहीं है ना, बी सी डी ई, तो अगेन वोवल हो गया, एफ देन जी देन एच, आई तो वोवल हो गया, जे और के से पहले लिखने तो के नहीं लिखना, तो सीट्स का मतलब वो भी नहीं लिखना, उससे पहले के ही लिखने सारे, ठीक है डन। सिक्स क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसमें आपको बस मैच करना है, जैसे बचपन नहीं करते थे अपन, मैच कर लो फटाफट। 1, 2, 3, 6 इसमें से किस डेफिनेशन से मैच करता है बताओ? X is a prime number and a divisor of 6. X is an odd number less than 10. X is a natural number and divisor of 6. X is first का C. X natural number है, 1, 2, 3, 4 ये चारों natural number है, और divisor of 6 यानी कि 6 को divide करते हैं, 1 भी 6 को divide करता है, 2 भी 6 को divide करता है, 3 भी 6 को divide करता है, C भी, बिल्कुल very good, तो पहला C से मैच हो गया। 2 and 3 क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि 2 और 3 प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6 है, प्राइम नंबर्स भी हैं और 6 को काटते भी हैं, मैथमेटिक्स का तो ऑब्वियसली ये x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, और 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर है, ओह सॉरी नेचुरल नंबर है, हाँ ऑड भी है नेचुरल भी है, ऑड नंबर है सॉरी, b से मैच कर रहा है, देखो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी है नेचुरल भी है और 10 से छोटे हैं सारे के सारे, देख चेक करो, 1 भी 10 से छोटा है, 3 भी 10 से छोटा है, तो बोलो बेटा बेसिक एक्सरसाइज समझ में आई? ये सारी एक्सरसाइज अभी हमने थोड़ी सी क्विकली करी है, फास्ट करी है, हो सकता है कुछ आप लिख पाए कुछ नहीं लिख पाए, पर घर जाके एक एक क्वेश्चन को फेयर करके ढंग से लिखना है, फॉर ग्रांटेड मत लेना कि छोटी मोटी बात ही क्या लिखना, फिर वही हालत हो जाएगी जैसे औरों की होती है, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे मत, 10वीं से 11वीं में आते टाइम सबसे पहला एटीट्यूड चेंज हो जाता है बच्चे का कि अब मैं बड़ा हो गया, क्या टीचर की बात थोड़ा सुननी है, ऐसे जैसे नोट्स बनाते थे ना अपन 10वीं में, कई बच्चे रेड पेन अलग लेते थे ब्लू पेन अलग लेते, चलो उतना मत करो, रेड पेन ब्लू पेन अलग नहीं मेंटेन कर रहे, लेकिन एटलीस्ट लिखो तो सारा, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज कल देखेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and watching.